इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि ICSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि मौजूदा हालात एग्जाम के आयोजन के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम को टाला गया तो रिजल्ट देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसलिए एग्जाम रद्द कर देनी चाहिए। छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए से जल्द रिजल्ट घोषित की जा सके। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है। इस बैठक में 12वीं के एग्जाम को लेकर फैसला होना है। महामारी के कारण छात्रों और अभिभावकों के ओर से एक परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब एग्जाम की तारीखों के ऐलान का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करता है। कोर्ट का रुख अगर परीक्षा के पक्ष में हुआ तो तारीखों का ऐलान 1 जून को ही किया जा सकता है। वैसे भी मंत्रालय ने पहले ही 1 जून को परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान करने का संकेत दिया है। ऐसे में अब सबकी नजर 1 जून पर टिकी हुई है। बोर्ड परीक्षा आमतौर पर हर साल फरवरी मार्च के महीने में आयोजित की जाती है, जबकि इस साल इसका कार्यक्रम 4 मई से शुरू हो रहा था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।